एक बड़ी खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी कि सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में गैंगस्टर और एक्टिविस्ट लखा सदाना की भूमिका की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक लखा सदाना और उसके करीबियों पर दिल्ली पुलिस पर हमले का रोल सामने आया है। साथ ही लखा सदाना दिल्ली में हुई हिंसा में एक्टिव था। लखा सदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। लखा सदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से एक्टिव है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, अब इसमें गैंगस्टर लखा की भूमिका भी सामने आई है और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, कल जिस तरह से सबसे ज्यादा जो हिंसा थी वो लाल किले सेंट्रल दिल्ली में हुई थी जिसमें आईटीओ और लाल किले का एरिया शामिल था। वहां पर लखा की भूमिका की जांच जो है वो अब दिल्ली पुलिस की कई यूनिट जो है वो करेंगी, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा मामले जो है वो पंजाब में लखा के ऊपर दर्ज है और काफी दिनों से वो सक्रिय था किसान आंदोलन में। अलग अलग साइड्स पर वो वहां पर पहुंचा था और कल जिस तरह से पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है उसमें लखा की भूमिका की जांच की जाएगी कि क्या यह सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग थी पुलिस पर हमला करने की। और पहले से ही जो हथियार थे या दूसरे बंदोबस्त थे वो करके जो उग्र किसान या जो दूसरी भीड़ थी वो मौके पर पहुंची थी, उन तमाम चीजों की जाँच लगातार की जाएगी। पंजाब में कई मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज हैं और पहले से ही ये पुलिस को अंदेशा था कि कई एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं और वो इसमें गड़बड़ी फैला सकते हैं, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो प्रतिबंधित हैं या जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो अब जो लखा है उसकी भूमिका की जांच की जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं है कहना कि पुलिस इन्हें संबंध करके इनसे पूछताछ भी करे आने वाले वक्तों में। चलिए आनंद, नजर बना रखिए, अपडेट लेंगे आपसे आगे।